अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ जो दो क्रिकेटर्स हैं वो रीसेंट पास्ट और उससे पहले भी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। वो चाहे पाकिस्तान टीम से खेल रहे हों या क्वेटा की टीम से खेल रहे हों, दे बोथ हैव बीन परफॉर्मिंग। और आज नवाज एंड नसीम, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, ठीक अलहमदुलिल्लाह, बढ़िया हैं। और बताइए क्या चल रहा है? बस क्रिकेट ही चल रहा है, उसके अलावा फिलहाल तो मीटिंग चल रही थी। शेयर मीटिंग से आए हैं, मीटिंग से आपको वेट करना पड़ा? मीटिंग से आए हैं जी, आंखें लेकिन सोई हुई हैं। मुझे लग रहा है चली गई ये मीटिंग की बातें इधर उधर। ये 24 घंटों में तकरीबन 16 घंटे सोता है, आगे निकालो कितने बज के वो जागता है। वो मैंने देखा है बांग्लादेश में। हाँ। और नवाज को वैसे भी नहीं पसंद रूम से बाहर निकलना। ये तो है, ये मुझे वो हारिस ने बताया, हारिस राउफ ने। रूम से निकलना शोएब भाई, फिर डिस्ट्रैक्शन होती है इस वजह से। नहीं, मैं अभी जबरदस्ती निकालता हूँ, कह रहे दरवाजा तोड़ दिया करो मेरा जब मैं नहीं उठूँ। ब्रेकफास्ट तोड़ना ही पड़ता है, ब्रेकफास्ट के लिए कहता हूँ क्योंकि वो जरूरी होता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जब भी, आप कितने बजे होता है नाश्ता हमारा आजकल? नहीं नहीं, आपका 11:30 बजे रात के? नहीं नहीं, सुबह के। अच्छा नसीम, आप बताएं आपको, आप दुनिया में भी लीग्स खेलते हैं और PSL का और जो दुनिया की लीग्स हैं उसमें क्या फ़र्क है, या आपको क्या फील होता है कि हमारी लीग जो है वो डिफरेंट है दूसरी लीग से? देखिए, स्टैंडर्ड का फ़र्क है और आई थिंक बाहर जितने मैं लीग्स खेला हूँ, जो हमारी बॉलिंग की क्वालिटी है, जो लोकल बॉलर्स हैं, आपने फेस की हुई कितने तेज़ बॉलर आते हैं डोमेस्टिक के भी, और जो हमारे स्पिनर है वो भी बहुत क्वालिटी के हैं। तो आई थिंक जिस लीग में सबसे ज़्यादा जो लोकल प्लेयर बेस्ट होते हैं ना, तो वो लीग उस लिए उसको बेस्ट कहा जाता है। जैसे इंडिया में अच्छे बैट्समैन आते हैं तो वो बेस्ट लीग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश है। तो इसी तरह PSL में जो हमारी बॉलिंग की क्वालिटी है आई थिंक वो सबसे बेस्ट है, तो इसलिए बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। और ऑब्वियसली फिर दुनिया भर से जो बेस्ट प्लेयर आए होते हैं और उनको फिर बेस्ट बॉलिंग मिलती है, तो ये कंपटीशन जो होती है बहुत टफ होती है। जब आपका हमारा मैच हो रहा था तो आप मुझे कह रहे थे बहुत जोर लग रहा है, बहुत जोर लग रहा है। तो वो इसलिए था कि हमारी जो कंडीशंस है, नो डाउट हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो ज़बरदस्त है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो बैट्समैन को सूट करती हैं ज़्यादा हमारी पाकिस्तान में? देखिए शोएब भाई, उस दिन ना मीटिंग में हमारा एनालिस्ट एक बात बताया था कि दुनिया में सबसे जो ज़्यादा रन्स बनते हैं T20 क्रिकेट में हुआ कराची, कराची के जो स्टेडियम है। तो आई थिंक कंडीशन आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए तो पाकिस्तान के बॉलर आप देखें कि दुनिया में बेस्ट हैं, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जब आप खेलते हो, जितनी ज़ोर लगती है या पे जितने आपके दिमाग यूज़ करते हो, आपके जिस तरह पिचेज़ हैं, आपको अपनी बेस्ट देनी होती है। तो फिर आप जब बाहर जाते हो जहाँ पे आपको, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आपको जहाँ पे हेल्प मिलती है, तो एज़ अ फास्ट बॉलर आपने इस तरह के पिचेस पे बॉलिंग की होती है, तो आपको वहाँ पर मज़ा आ रहा होता है। तो आई थिंक ये भी हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ है। नवाज, आप एज अ स्पिनर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कंडीशंस में बॉलिंग करना आसान है, या जब आप बाहर जाते हो पाकिस्तान से बाहर, वहाँ ज़्यादा ईजी है कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए? आई थिंक पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, पाकिस्तान में थोड़ा सा स्पिनर के लिए ईजी होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे ग्रिप मिल जाता है, एक दो मैचेस उस पिचेस पे हो जाएं तो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मतलब जैसे आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह खेलें तो उसकी बनस्बत यहाँ पर ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है एज ए स्पिनर। नवाज, कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ हो आपके क्रिकेटिंग करियर में वो बताएँ? शेबी बहुत ज़्यादा हूँ, इसीलिए अभी एक भी जहन में नहीं आ रहा जो मैं आपको बता सकूं। पूछ रहे भाई। आप सोचो, मैं इतनी देर नसीम से पूछता हूँ। ठीक है, मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। शेबी भाई, फ़नी तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत फ़नी लगा था कि टेस्ट क्रिकेट, आपको पता है कि जब मैं छोटा था ना, क्रिकेट खेलते थे, तो मेरे अब्बू तो क्रिकेट को समझते नहीं है इतने ज़्यादा, तो वो कहते थे कि यार ये जो क्रिकेट है ना, ये अंग्रेज़ों का खेल है। उनको कहते यार ये आप लोग के बस की बात नहीं है ना। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया में जब मेरा डेब्यू था और हम लोगों को 500-550 हुआ है और बुरा हाल था, आपको पता हुआ पे। तो जब मैं रूम में गया तो एक मिनट के लिए मेरे जहन में आया कि यार मेरे बुरा ठीक कह रहे थे। तो फिर अगले मैच में मूसा खान खेला, उन्होंने 650 किया। तो वो तो मेरा रूममेट था, तो जब वो वापस आया तो कहते यार वैसे आपके अबूरा ठीक कह रहे थे, ये अंग्रेज़ों का खेल है। तो आई थिंक बहुत सारे फनी है, लेकिन ये ऐसा था कि जो कुट पड़ी तो हमें वो याद आई कि यार वाकई फनी। अब मेरा हाल कोई याद आ गया होगा आपको।
शुएब भाई दो तीन दिन पहले एक हुआ है, बट वो ग्राउंड में नहीं हुआ, रूम में हुआ है मेरा और नसीम शाह का। नसीम शाह मेरे रूम में आया चाय पीने, तो इसके हाथ में ट्राउजर्स थे इसके, तो इसने टेबल पे रखे, तो मैं अपनी पैकिंग कर रहा था क्योंकि हमने दूसरे सिटी जाना था। तो मैंने, मुझे ऐसा लगा कि ये ट्राउज़र इसने टेबल पे रखे, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये ट्राउज़र मैं भूल गया हूँ, मैंने पैकिंग नहीं की, तो मैंने वो ट्राउज़र उठा के अपने बैग में डाल दिया और पैक कर दिया। और मैं ढूंढ रहा हूँ अब ये ट्राउज़र, ढूंढ रहा कि किधर गए। ये कभी इफ्तिखार के रूम में गया देख, क्या कहते हैं यार ट्राउज़र किधर गए। मेरा बैग खोला इसने, तो वो ट्राउज़र मैंने अपने बैग में रखे हुए थे, मैं समझा ये मेरे ट्राउज़र है, मैं भूल गया। इस तरह के तो रूटीन में होते हैं ये चीज़ें। ये तो बांग्लादेश में भी, ये चीज़ें तो रूटीन में, बांग्लादेश में तो नहीं हुआ भैया भी। और अक्सर मुझे सुबह प्रैक्टिस सेशन जो था जिसपे कहा था हाँ नहीं कल मैंने जाना है, टारगेट बॉलिंग करनी है, और अगले दिन सो रहा है, मैंने कहा नमाज कहाँ, नहीं मैं शोएब भाई नहीं आ रहा। नाश्ते का आएगा और भी सुनाएगा, ये आ गई कॉफी, आप याद आ जाए। थैंक यू भाई, ब्रेक लेते हैं, तब तक आप कॉफ़ी पिए और अच्छी अच्छी फनी स्टोरीज सुनाएं, ब्रेक के बाद मुलाकात होती। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और मज़े मज़े की बातें करते हैं नमाज से और नसीम से। मुझे ये बताएं कि नमाज मैच डे पे क्या रूटीन होती है? नाश्ता तो आप करते ही हैं बहुत जल्दी उठ? नहीं, मैच पे तो मैं लाजमी नाश्ता करता हूँ, क्योंकि मैच डे में नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब रूटीन ऐसे बन जाते हैं शोएब भाई इस T20 क्रिकेट में, आप रात को लेट आते हो तो फिर सोते सोते बुरा टाइम गया हो तो आपको पता है फिर वही दिमाग में चल रहा होता है, बंदा साइड ही चेंज करता रहता है, लेकिन नींद नहीं आती। मेरे साथ हुआ ना जो आप लोगों के साथ मैच था, उसके बाद मैं करवटें ही बदलता रहा, नींद नहीं आई। तो ऐसे ही है, फिर थोड़ा लेट उठते हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और रूम में बस थोड़ा रेस्ट करते हैं, और अगर रिकवरी वगैरह हो, मतलब मैच खेला हो लास्ट डे, तो जकूजी वगैरह चलेंगे, और बस मैच के लिए बस सोच रहा होता है कि कब ग्राउंड जाना है और कब जाके जो है ना वो जो एक फीलिंग सी आ रही होती है मैच डे पर, वही बस उसके साथ चल रहे होते हैं। नसीम कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं जब आपका मैच हो, या एक रात पहले या मैच वाले दिन, या रूटीन में ही आप कोशिश करते हैं हेल्दी खाना? नहीं, जो रूटीन में चल रहा होता है कोशिश करते कि अब अगर कल मैच है तो रात को कोशिश करते कि ऐसी चीज़ें ले जिसमें पानी पूरा हो, क्योंकि गोश्त वगैरह जब आप मटन वगैरह ले लेते हो या उसमें आपको ज़्यादा पानी चाहिए, तो ग्राउंड में आपको पता है इतनी एनर्जी लगती है, तो कोशिश ये होती है, बाकी नॉर्मली रूटीन जो चल रही होती है, लेकिन उस दिन थोड़ा कोशिश करते हैं पानी ज़्यादा पीते हैं, और आई थिंक बस यही चीज़ें करते हैं। नवाज पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? बहुत कम जी। नेटफ्लिक्स देखते हैं? हाँ जी, कभी कभी वो भी। क्या क्या मूवीज़ देखते हैं, शोज़ देखते हैं? मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ। रात को कोई मूवी देखी? कल रात को नहीं देखी, शोज़ परसों मैच देख रहा था, रात को परसों भी नहीं देखी। कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक पठान नहीं देखी, वो देख लूँ, लेकिन कुछ सीन बन नहीं रहा, कुछ माहौल जो है ना वो बन नहीं रहा। टीम में बहुत सारे पठान हैं, आप पठान देख रहे हो? पठान नहीं मूवी, पठान है वो वाले पठान, नहीं पठान मूवी देख ली है। लेकिन आप निकलिए ना जल्दी से पिए कॉफ़ी, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की बातें जो है ना वो निकले। आप नसीम ऑफ टाइम में क्या करते हो? ये तो स्क्रॉल डाउन करता रहता है। नहीं, सबसे पहले मैं सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ ना कि जो हर वक्त क्रिकेट करते ना, तो कोशिश करता हूँ कि उनको ब्लॉक कर देता हूँ मैच के बाद, अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, और उन लोगों को ज़्यादातर उनसे बात करता हूँ जिनको मुझे पता हो इन्होंने क्रिकेट की बातें अब नहीं करनी, जिस टाइम पर बुरे लग रहे होते हैं। और उसके अलावा मैं तमिल मूवी देखता था, अब मैंने मतलब बहुत टाइम हो गया नहीं देखी, और इरफान खान के मैं मूवी देखता था, वो बेचारा मर गया, अब उसके बाद मैं नहीं चाहता कोई और मर जाए, तो मैंने नहीं देखी कोई मूवी। वो जो हिंदी डब में होते हैं, लेकिन मतलब वही मुझे अच्छे लगे, वो अभी तक तो मैं वही देखता था, उसके अलावा कोई ऐसी मूवी नहीं है। बाकी जो दूसरी मूवी होती है मैं बोर हो जाता हूँ, जिसमें कोई फाइटिंग वगैरह ना हो, वो भी अच्छी नहीं लगती, जिसमें बस एक मुक्का मार के 10 बंदे हवा में हो, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब स्टोरी भी अच्छी हो और एंडिंग भी अच्छी हो। नवाज आप की PSL की बेस्ट मेमोरी अभी तक की शोएब भाई, जो मैंने लास्ट ओवर किया था शारजा में, अभी तक तो वो बेस्ट मेमोरी है, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी मेमोरी बनी नहीं है मेरी। उसके बाद कभी किया लास्ट ओवर? अभी किया था वर्ल्ड कप में। उससे पहले एशिया कप में भी किया था। फिर मैंने हारिस लोग और नसीम शाह लोगों को बोला कि 150 पे आप लोग करते हो और डेथ ओवर करने मैं आ जाता हूँ, ये क्या चक्कर है? इनसे मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन अब करेंगे सोशल मीडिया पे, इसीलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम लोगों ने
बोला था ये कि सोशल मीडिया में बात करेंगे और आप करते हैं सोशल मीडिया, नसीम कितना अफेक्ट करता है आपको? टू बी ऑनेस्ट शुएब भाई, जो ये बात करते हैं ना कि सोशल मीडिया की ये चीज़ें देख के हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो ख़ुद को धोखा दे रहा था मेरे हिसाब से। और इन चीज़ों से हर इंसान देखे इंसान होता है, और आप जितने आपको कोई अगर सामने से आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन आपके ऊपर वो चीज़ असर करती है, आप उस सुनते हो, आपको कभी ना कभी दिल में आता है। कोशिश ये होती है सबसे पहले मेरी कि मैं सोशल मीडिया में जितने कमेंट्स वगैरह हैं वो ना पढूं, और कोशिश ये करता हूँ कि अगर जब मैं देखूँ, अगर मुझे पता है मेरे ऊपर असर करते तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसे दिन ना देखूँ जिस दिन कोई बड़ा मैच है। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को कम देखूं और जो नॉर्मल जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं उस तरह की क्रिकेट खेलूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इसमें मुझे, मैं ये करता हूं और इसमें मुझे यू नो नॉर्मल फील होता है। नवाज, आपको करता है इफेक्ट या आप देखते ही मैच के बाद? मैं शुएब भी वैसे देखता हूं सोशल मीडिया, बट कमेंट्स नहीं पढ़ता, क्योंकि कमेंट तो जिसके जो भी मतलब जिसके दिल में जो आए वो बोल देता है, उनका तो कुछ नहीं। लेकिन यह है कि मेरी कोशिश होती है कम देखूं, कुछ ऐसी जब मैच के बाद आया हूं तो सोशल मीडिया देखता हूं, बट तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ देख लूं कुछ मतलब जो ज़्यादा इफेक्ट ना करे या जिसमें ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो। आपको मैं थोड़ी सी ना गूगलिए फेंकता हूं, ये क्वेश्चन है नवाज़ आपके लिए, नसीम शाह की बेस्ट बॉलिंग फिगर PSL में क्या है? मैं आपको ऑप्शन दूंगा तीन, आपने एक बताना है। 3/20, 4/20, 5/20। 5/20। क्या बात है, ये तो बस कौन कहता है मैं चीजें भूल जाता हूं, मैं कौन कहता है मैं चीजें भूल जाता हूं। कॉफी ने भी असर किया है और आपसे प्यार भी है। इन्होंने ये हिसाब लगाया 2, 3, 4 और 5, तो 5 ज्यादा है। नहीं, मैंने ये हिसाब लगाया कि इसका जो फाइफर है वो एक। अगर आप बोलते ना शिव भाई कि 5, 3, 2, तो फिर ये शायद 2 कहता, क्योंकि वो जो लास्ट वाला था। अब मैं जरा इसको घुमाता हूं, लेकिन ये नसीम आपके लिए है, नवाज के कितने जीरो हैं PSL में? 1 बार, 2 बार या 3 बार? 3 बार। हाँ, स्मार्ट आदमी है, समझ आ गई है। ज्यादा भी और नहीं, तीन बार ही अब। नवाज, आप बताएं कि नसीम ने कितने कैचेस पकड़े हैं? ऑप्शन है आपके 5, 4 या 3? 3, 4। इतना तो ट्रस्ट मैंने, इसके पास कभी कैच गया ही नहीं है, तो क्यों नहीं गया? तो 3 कैसे पकड़े ख्वाब में? 3 तो पकड़े सबसे लो, इसलिए मैंने बताया कि इतने ही होंगे। नवाज ने कितने छक्के लगाए हैं? नसीम, ये आपने बताना है। इसमें ऑप्शंस है 26, ये PSL में 26, 23 या 21। 8 साल से तो खेल रहे हैं, अगर 26 भी नहीं मारे हो तो मेरे ख्याल से 26 मारे होंगे। 26, हाँ सही आंसर। देखे 8 साल से, माशाल्लाह यार नवाज, थोड़ी और कॉफी फील हूँ एक घूंट अगले क्वेश्चन से पहले। इसके बगैर आंसर सही करना चाहता हूँ। आप एक सिप लो। अच्छा जी, गुगलिया रीड नहीं होती लो। नसीम ने सीजन 7 में PSL में कितनी विकेट्स लिए थे? ऑप्शन है 13, 14 या 12? 12? नहीं यार, कॉफी लो। 14 सिप ले लेता तो सही आ जाता ना। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको ना कॉफी के बगैर सही आंसर दूं ताकि आपको रॉन्ग प्रूव करूं, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। सिप लेने में हो ही नहीं सकता था वो। ये वही चीज है कि आप अपनी बीवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है नसीम आपसे, नवाज ने कितने कैचेस पकड़े हैं? ऑप्शन दो, ये वैसे ही पता है। वैसे नवाज माशाल्लाह कैचेस बहुत कम छोड़ता है। चल मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 34, 24 और 44, 24, 34, 44। 44 तो नहीं पकड़े होंगे, लेकिन 44 थोड़ा ज्यादा हो गया, 3-4 ये तो ज्यादा। आई थिंक 34 भी बहुत बड़ा नंबर है। ये सिर्फ PSL में? ये बिल्कुल PSL में, सारे सीजन जितने आज तक हुए हैं, हम लोग 8वें में हैं, 7 सीज़न और अभी जो आप मैचेस खेल चुके हैं। भाई मेरे बॉल पे कभी कैच नहीं पकड़ा, कभी शायद गया नहीं हो, तो मुझे तो वही याद ज़्यादातर रहते हैं जिन्होंने मेरे बॉल पे कैच पकड़े हो, वो ज़्यादातर याद रहते। नाम याद है कुछ? कोई एक फील्डर का नाम लो आप
जो आपको जब उसके पास कैच जाता हो आपकी बॉल पे और आपको ये लगता हो गया यार नहीं ये बंदा नहीं ये बस मेरी विकेट है, आपकी सेलिब्रेशंस पहले से ही शुरू होगी। आई थिंक एक मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं एक कहूँगा कि रॉय के पास, जसन रॉय के पास जब जाता है ना मेरा कैच, तो बस मैं, मुझे ट्रस्ट होता है आप बस पकड़ लिया, बाकी किस्मत की बात है, लेकिन मुझे लगता है बस हो गया हमारा, क्योंकि वही है मेरे साथ हमारा एक आते हैं आपके पास जाता है ना तो दिल में थोड़ा सा आता है कि यार कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग का वैसे भी यू नो थोड़ा आपस में ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा होता है। अच्छा ये बताएं नसीम के आपको बॉलिंग करने में किसके साथ मजा आता है, आपका जो पार्टनर दूसरे एंड से बॉलिंग करता हो जिसके साथ आपको ये फील होता होगा नहीं मेरे पास अच्छा शाइन आएगा जो मैं स्विंग कर सकूंगा सीम कर सकूंगा। भाई वही बॉलर के साथ आप इंजॉय करते जो जो दूसरे एंड से भी अच्छी बॉलिंग करे तो आप पे प्रेशर थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अगर वो दूसरे एंड से विकेट ले लेते हैं, जैसे आप शहीन को ले लें उनके पहले ओवर में ज़्यादातर चांसेस होते हैं विकेट के, जो आप विकेट ले लेते हैं तो एक विकेट जब गिर जाती हैं T20 में या किसी भी फॉर्मेट में वनडे में ले लो तो बैट्समैन थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उसमें आप भी अपनी बेस्ट बॉलिंग कर लेते हो। आई थिंक शहीन, तो कोई एक नाम नहीं है शहीन? हाँ शहीन अभी तक लाइक उनके साथ किए तो आई थिंक वही। और क्वेटा में जब नवाज आपके साथ बॉल करते हैं तो आपके पास सही शाइन पूरी होती है दोनों तरफ जब आप नया बॉल कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि नवाज मेरे साथ दूसरे एंड से बॉल करे, क्योंकि टोटल दो मिनट में ओवर ख़त्म कर देते हैं आगे से, हमने बॉल अभी ख़त्म नहीं किए थे, अभी अपनी चादर चुदर रखी नहीं होती थी, नवाज अभी इशारा कर रहे भाई ओवर ख़त्म हो गया, तो स्पिनर का ये बड़ा इशू होता है, और अगर आपके साथ टेस्ट में स्पेल में स्पिनर हो तो दिल करता है तो मर गए। नवाज आपको T20 में पहला ओवर करना अच्छा लगता है या दूसरा, और अगर आपको फर्स्ट ओवर करना अच्छा लगता है उसकी वजह क्या है, और अगर सेकंड करना पड़ता है या करना चाहते हैं आप तो उसकी क्या वजह? अगर सेकंड ओवर कर रहा हूँ तो पहले ओवर में विकेट गिरी हो तो फिर तो बहुत अच्छा लगता है, और पहला ओवर तो अगर करूँ फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आते साथ ही बैट्समैन जो है वो उस तरह से बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही होती, तो आप अगर अच्छी जगह पर बॉल करते हैं अपने पहले ही ओवर में तो चांस होता है कि आप मतलब वो आपके मतलब हार्ड नहीं आएंगे आप पे, और अच्छी लाइन से बॉल करें और थोड़ा सा टर्न हो जाए तो आपके विकेट के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि नए बॉल इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते बैट्समैन के टर्न होगा। वैसे भी दुनिया के जिनके भी स्ट्राइक रेट 180 प्लस हैं वो भी फर्स्ट ओवर में थोड़ा सा देखते हैं यार क्या हो रहा है उसमें, थोड़ा सा स्पिनर, और वैसे भी अगर बॉल स्पिन नहीं हो रहा तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू के आप जो है नया बॉल करते हैं आके और विकेट्स भी लेके देते हैं, दोनों इसी तरह सक्सेस दिलाते रहे आप जहाँ पे भी खेलें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ESL के लिए या जो भी आपकी जो फ्यूचर में जो भी क्रिकेट इंशाल्लाह आप खेलें खूब सारा खेलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, ये था हमारा आज का एपिसोड, बहुत अच्छा लगा, और अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी दो बड़े नामों के साथ और इसी तरह की मज़े मज़े की बातें होंगी। अल्लाह हाफिज़।